الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم। जो स्टैंड की तरफ आते हैं पारा नंबर दस जो हम पीछे रुकू पढ़े पाँच नंबर रुकू उसी का कांटिनेशन है माले गनीमत में पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का है कराबत दारों यतीमों मस्किनों और मुसाफिरों के लिए और फिर जो बाकी बचता है वो गाजियों के लिए आएगा आगे फरमाया तुम वो वक्त याद करो जब अबू सुफियान का काफ़िला समंदर के किनारे किनारे निकल गया और तुम्हारा मुकाबला बग़ैर किसी तयशुदा प्रोग्राम के कुरेशियों की फौज से हो गया कोई प्रोग्राम बनाए नहीं थे अचानक हो गया ये बदर की बात चल रही है ताकि जो बात होने वाली थी वो हो जाए यानी जंग हो जाए ये पहली जंग थी जंग ये बदर सबसे पहली जंग थी मुशरिकों के साथ ख्वाब में तुम्हें काफिर कम दिखाई दिए अगर ज़्यादा दिखाई देते तो मुसलमान बुजदिल हो जाते यानी मुसलमानों में बुजदिली पैदा होती अगर वो देखते घबरा जाते कि ये हमसे ज़्यादा लोग हैं तो फिर वो लड़ने से पीछे आ जाते या तो अपनी बुजदिली दिखाते डर जाते इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों को दिखाया कि काफिर तुमसे भी कम है और तुम इसलिए कि बुजदली ना दिखाओ इसलिए भी और हिम्मत ना हारो और फिर मैदान जंग में भी तुम्हें काफिर कम दिखाई दिए सिर्फ ख्वाब में नहीं बल्कि जब मैदान में आए जंग के मैदान में तब भी मुसलमानों को काफिर ऐसे नज़र आ रहे थे कि वो उनसे कम है तो और ज़्यादा उनकी डेयरिंग बढ़ गई हिम्मत बढ़ गई उनकी बुजद्ली नहीं दिखाया उन्होंने और तुम काफिरों को कम दिखाई दिए ताकि वो ज़रूर लड़े तुमसे इसलिए अब काफिरों को भी उनके नज़र में अल्लाह ने उनको दिखाया कि जो मुसलमान हैं वो कम है तो अब इनकी डेरिंग हो गई हिम्मत हो गई कि हम इनसे लड़ेंगे क्योंकि ये तो हमारे तादाद से भी कम नज़र आ रहे हैं तो उनको मुसलमान भी कम दिखाई दिए तो फिर क्या हो गया वो लड़ने तैयार हो गए यानी वो लड़ाई कर, ज़रूर करें इसलिए अल्लाह ने इस तरह किया और क्यों किया अल्लाह का फ़ैसला पूरा हो जाए जंग शुरू हो जाए और मुसलमानों को कामयाबी हो फिर रुको नंबर सिक्स है आए नंबर फोर्टी फाइव से लेकर फोर्टी एट तक जिसमें हक और बातिल की जंग हक और बातिल की जंग में मोमिनों का जो किरदार था उसके बारे में आता है फरमाया ईमान वालों जब काफिरों से मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा याद करो यानी जंग के मैदान में भी अल्लाह को नहीं भूलो जिक्र असकार करते रहो नमाज से भी गाफिल ना हो आपस में झगड़ा न करो क्योंकि आपस के जो झगड़े होते हैं उसी से दूसरे लोग फ़ायदा उठा लेते हैं तो आपस में ना झगड़ो अल्लाह और रसूल का कहाँ मानो बाहम झगड़ोगे तो तुम्हारी ताकत कमज़ोर हो जाएगी और हवा तुम्हारी उखड़ जाएगी हाँ काफिरों की तरह अकड़ न दिखाओ और रियाकारी न करना अब जो काफिर आए थे बदर के मैदान में वो रियाकारी करते आए शोशे दिखा रहे थे बहुत सारे शोइंग ऑफ हो रही थी उनकी साथ, साथ उन्होंने अपने साथ गाने बजाने वाली औरतें भी साथ लाई हुई थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी उनके साथ थे और रियाकारी कर रहे थे तो उनकी तरह तुम नहीं बनो और यहाँ मुसलमान सजदे में थे अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे तो बिल्कुल आप देखें कि अपोज़िट दोनों साइड में अपोज़िट चीज़ें चल रही थी काफिरों को शैतान कहता था कि तुम गालिब रहोगे अब शैतान आ गया सुराका के शक्ल में रवायात में है तो वो कहने लगा कि तुम लड़ो सबको डेरिंग देने लगा हिम्मत देने लगा मुशरिकों को कि तुम लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम ही गालिब आने वाले हो मैं तुम्हारे साथ हूँ मगर हक व बातिल की जंग यानी जंग बदर जब शुरू हुई तो ये कहकर दूम दबा कर वो भाग गया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ उसने कहा कि अब मैं नहीं हो रह सकता तुम्हारे साथ वो भाग गया हालांकि उसकी वजह से इन्होंने और ज़्यादा हिम्मत बढ़ाई थी अपनी मशरक़ों ने और उसने कहा शैतान ने कहा मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते क्योंकि उसने शैतान ने फरिश्तों को देखा फरिश्ते उतर रहे थे ना मुसलमानों की मदद के लिए तो शैतान फ़रिश्तों को देख रहा था जब सलाम को उसने देखा तो कहने लगा कि मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते और तुम नहीं देख सकते और मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ देखे कितनी बड़ी बात कर रहा था कि मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ और अल्लाह का जो अज़ाब है वो बहुत शदीद है इस तरह से कह के वो वहाँ से भाग गया फिर रुको नंबर सेवन है आय नंबर फोर्टी नाइन से ले कर फिफ्टी एट तक जिसमें फ़ैसला को मार का जो जंग उसका हुक्म दिया गया मुनाफिक और दिल के बीमार कहते थे कि मुसलमान थोड़े हैं और धोखे में मुबतला है क्योंकि ये लोग थोड़े कि इनको कैसे ये कैसे कामयाब हो सकेंगे देखो मश्रक कितने ज़्यादा हैं तो इस तरह से मुनाफिकों ने मज़ाक उड़ाना शुरू किया लेकिन याद रखो अल्लाह पर भरोसा करने वाले कामयाब हो गए और वही कामयाब होने वाले जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं और ख़ुद भी एफर्ट्स लगाते हैं उन मुनाफिकों का मौत के वक्त बुरा हाल होगा ऐसे जो मुनाफिक होते हैं उनका बहुत बुरा हाल होता है जब फ़रिश्ते उनके चेहरे और पीठों पर मारते हैं ये उनके बदामियों का नतीजा होगा फिरौनियों का भी यही हाल हुआ था जो भी अल्लाह की नाफरमानी करता है वो सजा पाता है लोगों की नियतें जब ख़राब हो जाती हैं तो अल्लाह अपनी नमतें छीन लेता है तो इस तरह से उनका हाल होता है जब जान लेने के लिए फरिश्ते आते हैं तो सख्ती से जान लेते हैं आगे फरमाया अगर किसी काफिर ग्रोह से आपको बदहदी का ख़तरा हो तो उनके अहद उन्हीं पर उल्टा दो क्योंकि जो बदहदी करता है उसके साथ वो जो ऑलरेडी उसने अहद तोड़ दिया तो फिर आप उसमें कोई अहद बाक़ी ही नहीं रहता तो उन्हीं की तरफ पलटा दो उल्टा दो खयानत करने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है फिर रुकू नंबर एट हैं आया नंबर फिफ्टी नाइन से लेके 64 सिक्सटी फोर तक जिसमें कुफ़ार के खिलाफ तैयारी का हुक्म दिया गया है इन आयत का खुलासा करने से पहले एक बात मैं आपको क्लियर कराना चाहती हूँ इस तरह की जो आयत आती हैं कि कुफार के खिलाफ जंग करो और तैयारी करो ये सारी चीज़ें हिम्मत न हारो ये बातें जंगों के कॉन्टेक्स में आई हुई हैं। इन्हें जब जंग की जाती है तो कोई भी कमांडर हो कोई भी लीडर हो वो क्या करेगा इनक्रेज करेगा कि किस तरह जंग करनी है हिम्मत नहीं हारनी है ये सारी बातें बताएगा तो इस कॉन्टेक्स में ये बातें आई हुई हैं। कोई भी जंग हो दुनिया की भी जंगें देखे क्या होती है जब जंग होती है उस वक्त कमांडर जो होता है जो लीडर होता है वो क्या कहता है कि हिम्मत नहीं हारो लड़ते रहो इस तरह के आपने कभी सुने या देखे होंगे सोशल मीडिया वगैरह पे अब होता यह है कि जब कुरान में ये बात आती है जंग के कॉन्टेक्स्ट में आती है तो कुछ लोग इसको इशू बना लेते हैं या तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ लोग इस तरह करते हैं और कुछ लोग तो फितना फैलाने के लिए ताकि और फितना बढ़े और वो कॉन्टेक्स्ट बताते नहीं है कि ये जंग के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है हालांकि अल्लाह को जंग व जिदाल जो लड़ाई झगड़े वो पसंद नहीं है इवन एक आयत में भी आता है कि किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया एक इंसान का किसी ने कत्ल किया अब वो एक इंसान या तो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो वो एज इफ के उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया तो इस्लाम इसमें इंकरेज नहीं करता कि किसी को बिना वजह कत्ल किया जाए लेकिन अब ये कॉन्टेक्स्ट आता है जंग के बारे में तो जंग के बारे में कमांडर यही हुक्म देगा जो भी लीडर होगा वो यही हुकुम देगा कि तुम लड़ो लड़ते रहो पीछे नहीं हटो तो ये याद रखे कि आपको कॉन्टेक्स देखना होगा कि यहाँ पर कॉन्टेक्स क्या है ये जंग के बारे में है याद रखें प्लीज इन आयतों को लेकर फितना ना फैलाओ और एक बात जैसे ही जिहाद का नाम आता है जिहाद का क्या मतलब होता है होली वॉर नहीं होता है क्योंकि कुछ लोगों ने होली वॉर करके दिया है नाम जो क्रिश्चियनिटी में जो नाम देते हैं होली वॉर करके तो होली वॉर उसका मतलब नहीं है जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद। अब जद्दोजहद ज़बान से भी हो सकता है या जंगों के जरिए भी हो सकता है स्ट्रगल के लिए आता है जैसे ही कोई जिहाद बोलता है तो फिर सबका पारा चढ़ जाता है कि ये क्या बात कर रही है? लड़ाई जो है वो गैर मुस्लिमों के खिलाफ है इस तरह वो सोचते हैं हालांकि कुछ हदीस हमें मिलती है जिसमें बताया गया है क्या औरत का जिहाद सबसे बड़ा जिहाद क्या है हज करना अब वो हज में कहाँ लड़ाई के लिए जाती है क्या वो किसी गैर मुस्लिम के साथ लड़ाई करती है तो हज करना औरत के लिए कहा गया है कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा जिहाद है जद्दोजहद है तो प्लीज इन बातों को इशू ना बनाओ इसको मिसअंडरस्टैंड ना करो और न ही फितना फैलाओ बहरहाल कहा गया कि जिन लोगों ने कुफर का रास्ता इख्तियार किया है वो कभी ख़याल न करे कि वो आगे निकल गए हैं और वो बच गए हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वो कभी अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते हरा नहीं सकते मुसलमानों जहाँ तक हो सके और जिस कदर तुम्हारे बस में हो तो काफिरों का मुकाबला तुम पूरी कुवत से करो हथियार से पूरी कुवत से करो क्योंकि कुछ लोगों के पास उतने हथियार नहीं होंगे कुछ के पास ज़्यादा होंगे कुछ के पास कम होंगे जितना हो सके उतनी तैयारी करके निकलो घर से पंदे घोड़ों से भी तैयारी करो यानी घोड़े भी साथ ले जाओ क्योंकि अल्लाह के रास्ते में जो घोड़ा होता है उसका अजर भी होता है बहुत सारा ताकि उससे अल्लाह के दुश्मनों पर तुम्हारे दुश्मनों पर और उन दुश्मनों पर ढाक बैठी रहे जिन्हें नहीं जानते नहीं कुछ लोगों को तुम जानते हो कुछ को नहीं जानते जो तुम्हारे दुश्मन हैं अल्लाह जानता है देखो अगर दुश्मन सुलहे की तरफ झुके तो तुम भी झुक जाओ सुबह देखिए पिछली आयतों को लेकर लोग फितना पैदा करते हैं कि देखो ये जो इस्लाम है वो टेररिज्म का मज़हब है क्योंकि वो बग़ैर कॉन्टेक्स्ट के बताते हैं अगर इस तरह से बात होती के जो भी कोई काफिर दिखे उसको तुम मारो यानी बग़ैर जंग के अगर इस तरह से बात होती तो ये अल्लाह बात नहीं कहते यानी ये जंग के वक्त भी अगर कोई सुलह करना चाहे तो उनसे सुलह करो उनको मारो नहीं बल्कि उनसे सुलह करो वो चाहते हैं कि तुमसे वो सुलह करे कौन सा दीन है कौन सा रिलीजन है जो इस तरह से बात करता है यह इस्लाम कहता है कि अगर जंग की हालत में भी वो चाहते हैं काफिर चाहते हैं कि तुमसे सुलह करे तो उनसे सुलह करो उनको ना मारो रिजल्ट नहीं बनो अगर वो तुम्हें धोखा देना चाहेंगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा अल्लाह पे भरोसा करो उसने हमेशा तुम्हारी मदद की है उसने तुम्हारे दिलों में ऐसी बाहम मोहब्बत पैदा की कि तुम दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी अपने अंदर वो इतिहाद यूनिटी और मोहब्बत पैदा ना कर सकते थे तो ये अल्लाह ने किया तुम्हारे लिए तुम सब भाई भाई बन गए पहले जानी दुश्मन थे ए नबी अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह और ईमान वालों की जमात काफ़ी हैं फिर रुको नंबर नाइन है आय नंबर सिक्सटी फाइव से लेकर सिक्सटी नाइन तक जिसमें पहले ये हुक्म दिया गया था कि दो सौ कुफार जो होंगे टू हंड्रेड कुफार उनसे ट्वेंटी यानि बीस मोमिन मुकाबला करें यह ऑर्डर था क्योंकि पहले शुरुआत में मुसलमान वैसे भी तादाद में कम थे तो यह हुक्म दिया गया था जंग बदर के वक्त ए नब्बी सल्ला व्ल् आप मोमिनों को जंग की तरकीब दीजिए अगर वो बीस साबिर होंगे तो दो सौ पर गालिब आएंगे यानी दो सौ के साथ वो जंग करेंगे बीस मोमिन जंग बदर के बाद मुसलमानों से फ़रमाया गया कि अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया है क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान हो रहे थे तादाद भी बढ़ रही थी और ये भी मुश्किल था कि 20 मुसलमान 200 काफिरों से लड़े ये भी बहुत डिफ़िकल्ट बात थी लेकिन जब अल्लाह की मदद होना तो ये भी आसान हो जाता है अब बदर के बाद ये कहा गया कि अब तुम्हारा बोझ हल्का कर दिया गया अब सिर्फ एक मुसलमान दो काफिरों की नस्बत काफ़ी है यानी एक मुसलमान दो काफिरों से लड़ सकता है फिर आगे फरमाया शिकस्त खाने वाले काफिरों को कैदी बनाने के बजाय उन्हें कत्ल करना बेहतर था अब जो काफिर उनके हाथ आ गए थे जंग बदर के बाद काफिर जो हाथ आए थे तो उसके बारे में आप सल्लम ने मशवरा किया था पूछा था दूसरे साहबा से तो सब ने अपनी अलग अलग बातें बताईं उमरदी का कहना था कि इन सबको मारा जाए ताकि फसाद ख़त्म हो जाए वरना यह होगा कि ये फिर से फसाद करेंगे फिर से कत्ल गारत करेंगे लड़ाइयाँ करेंगे तो बेहतर है कि उनको मार दिया जाए और ये सही डिसीजन था कि उनको मार दिया जाए वरना फिर और ज़्यादा फसाद के चांसेस थे जैसे दूसरे भी जंगों में होते हैं कि उनको ख़त्म किया जाता है लेकिन अबू बकर उन्होंने कहा कि नहीं इनके जो सीखे पढ़े लोग हैं वो एक काम करें जो मदीना के जो सीखे पढ़े लोग नहीं हैं उनको एजुकेशन दे उनको सिखाए और अगर वो सीखे पढ़े नहीं हैं तो फिर अपने आप को फिदिया दे के छुड़ा लें तो फिर आप ने यह बात मानी थी हालांकि उमर रद की बात सही थी वैसे भी हुक्मरान जो होते हैं रूलर्स जो होते हैं वो जंगों के बाद दुश्मनों का क्या हाल करते हैं या जो फसाद करते हैं उनका हुक्मरान क्या हाल करते हैं हम सबको पता है तो इसीलिए कहा गया कि उनको कत्ल करना बेहतर था तुमने क़ैदी क्यों बनाए? है बहरहाल जो माल गनीमत और क़ैदियों का फिदिया हासिल हुआ उसे हलाल पाकिज़ा समझ कर खा लो फिर तो सुरैन का लास्ट रुक है टेन नंबर रुक आया नंबर सेवेंटी से लेके सेवेंटी फ़ाइव तक तो। जिसमें मोमिन और साबरिन के दर्जात के बारे में बताया गया है बदर के क़ैदियों से कहा गया कि अगर उन्होंने फ़दीए के बदले अपनी रिहाई पा ली तो ये एहसान समझो इस एहसान की क़दर करो उनके लिए भलाई की राहें खुल जाएंगी अगर वो क़दर करेंगे तो और अगर उन्होंने अल्लाह से लड़ने की फिर कोशिश की फिर से आगे लड़ाई के लिए तो अल्लाह उन्हें मुसलमानों के काबू में दे देगा अगर इस तरह उन्होंने हरकत की तो आगे फरमाया ईमान लाने वाले हिजरत करने वाले अल्लाह की राह में माल व जान से जिहाद करने वाले और वो लोग जिन्होंने महाजरीन को जगा दी ठिकाना दिया और मदद की वो है अंसार अनसार मदीना ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं लेकिन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत नहीं की उनसे तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं ये लोग अगर ईमान बचाने के खातिर तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करो क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे हिजरत करना चाहते थे लेकिन किसी रीज़न की वजह से जैसे उनके पास कुछ माल नहीं होगा या उनकी इस्तात ऐसी नहीं होगी कि हिजरत करें तो फिर तुम उनकी मदद कर दो ताकि वो अपना ईमान बचा सकें ये सभी एक दूसरे के साथी और मददगार हैं ये सारे लोग लेकिन काफिर एक दूसरे के साथी और मददगार होते हैं यानी काफिर काफिरों का मददगार होता है उनके साथी होते हैं एक दूसरे के आगे फरमाया कि ईमान लाने वाले महाजरीन मुजाहिदीन और मदीना के अनुसार पक्के हैं बाद में ईमान लाने वाले जिन्होंने हिजरत की और तुम्हारे साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद किया वो भी पहले ईमान वालों के पाकिज़ा ग्रुप में शामिल होंगे लेकिन बहरहाल जिन्होंने पहले ईमान लाया और जिन्होंने पहले हिजरत की उनके दर्जात और ज्यादा बड़े होंगे अल्लाह हर बात को जानने वाला है यहाँ पर हमारे सूर्य अनफाल फिनिश हो रही हैं। अब हम सूर्य तोबा की तरफ आते हैं सूर्य तोबा ये नौ नंबर सूरह है इसमें सिक्सटीन रुकू हैं और वन ट्वेंटी नाइन आयात आए हुए इस सूरत का दूसरा नाम अलबरा भी है बरात बोलते हैं ना, बरातुन। सो अलबरा भी उसका दूसरा नाम आया हुआ है तौबा का मतलब क्या है तौबा जो हम उर्दू में भी बोलते हैं तौबा करना अब इसका नाम अतौबा इसलिए है कि इस सूरत में एक जगह कुछ अहले ईमान के कसूर हुए थे उन्होंने जो गलतियाँ की थी उनकी तोबा की क्या सफाई का ज़िक्र किया गया है और बरा इसलिए कि सूरत के शुरू में मश्रिकीन से बड़ी जमा यालान बरात या बेजारी होने का ऐलान किया गया है इसलिए सूर्य बरा भी कहा जाता है बरातुन बरा बार हमजा ता, और ता अरबूत इस सूरे का जो जमाने नज़ूल है वो ज़्यादातर नो हिजरी फते मक्का के बाद का है इसमें जिहाद व किताल के बाद जो मसाइल होते हैं उसके बारे में ज़िक्र आता है और मक्का और मदीना के हरमिन शरीफेन में कुफार के दाखिले से मनाई वो मनाई जो की गई थी उसके बारे में आएगा वो ख़ास ऐलान किया गया है कि आज के बाद मक्का और मदीना में कुफ़ार दाखिल नहीं होंगे राय हक के गाजियों और शहीदों के भी दर्जात बताए गए हैं कि अल्लाह के रास्ते में जो शहीद होते हैं और जो लड़ते हैं उनके बारे में भी हैं रुकू नंबर वन है आया नंबर वन से लेके सिक्स तक जिसमें हरमेन से मुशरकिन के खराज का हुक्म दिया गया है हरमेन ने ने जो मक्का और मदीना हरम वहाँ से का अखराज वहाँ पर एंट्री अब नहीं होगी और आज भी नहीं होती है उनकी एंट्री फतेह मक्का के बाद हिजरी में इस शुरे की इब्तदा चालीस आयत इब्तदाई चालीस आयत नाजिल हुई यानी शुरुआत की जो चालीस आयतें उस वक्त नाजिल हुई कब के बाद फरमाया गया जिन काफिर जमातों ने बदहदी की उनके साथ उनका कोई माह नहीं उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया तो उनके साथ कोई अब नहीं बाकी रहेगा उनको चार महीने की मोहलत दी जाए चार महीने में वो यहाँ से निकल जाए इस अरसे में इस ज़मीन को हरम की ज़मीन को छोड़ जाए वरना उनके ख़िलाफ़ जंग होगी अगर चार महीने के अंदर नहीं निकलेंगे तो फिर जंग शुरू हो जाएगी क्योंकि मुसलमानों ने उन पर उस जमीन पे कब्जा किया हुआ था उनको कहीं अमन न मिलेगा वो कत्ल कर दिए जाएंगे जिन जमातों ने बदहदी नहीं की उनके साथ कायम रखो क्योंकि उन्होंने उन्होंने वादा नहीं तोड़ा तो फिर तुम भी कंटिन्यू रखो मगर नया कोई माहिदा अब नहीं होगा अभी न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा अगर ये मुसलमान होना चाहे तो तरीक़ा यह है कि पहले ही बात ज़बान से इस्लाम का इकरार करें और नमाज कायम करें और ज़क़़त की अदायगी भी करें इस सूरत में वो आज़ाद शहरी होंगे वह हरम में रह सकते हैं, वो भी तुम्हारे फिर भाई ही होंगे उनको निकाला नहीं जाएगा क्योंकि उन्होंने इस्लाम को कबूल किया है फिर रुकू नंबर टू है आया नंबर सेवन से ले एटीन तक जिसमें बदअद मुशरिकों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग के बारे में बताया गया है मुशरिकों के साथ कोई माहिद कैसे हो सकता है ये वो लोग हैं कि तुम पर काबू अगर पा लें तो किसी अहद व पैमान या रिश्तेदारी का लिहाज ही ना करें वो वादे को भी भूल जाए और रिश्तेदारी को भी भूल जाए ऐसे लोग हैं लिहाजा अगर ये अपने अहद व पैमान को तोड़ डालें और तुम्हारे दीन को बुरा भला कहने लगे तो इन कुफ़्र के सरदारों इन काफिर सरदारों से जंग करो सिवाय उसके कि ये तोबा कर ले नमाज़ कायम करे और ज़कात अदा करें तो फिर इनसे जंग नहीं होगी मुसलमानों जिन लोगों ने अपनी कस्मों को तोड़ डाला रसूल अलैहि वसल्लम को उसके वतन से निकालने का मंसूबा बनाया और तुम्हारे खिलाफ़ लड़ाई में पहल किया आगे आगे पहले तो उन्होंने ही शुरू की तुम्हें उनसे ज़रूर लड़ना चाहिए उनसे लड़ो अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों से उनको सजा देगा और तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे सीने ठंडे कर देगा जंग की आजमाइश में तुम्हें ज़रूर डाला जाएगा ताकि खरे खोटे सही या गलत उसका पता चल जाए इसमें तुम पढ़ने वाले हो जंग में जाओगे जंग होगी तुम ये कैसे ख्याल करते हो कि आजमाइश किए बगैर तुमको छोड़ दिया जाएगा ये मुमकिन नहीं है कि आजमाइश ना हो हर एक आजमाइश जो है वो किसी न किसी तरह होती ही रहती हैं। तो तुम्हारी भी आजमाइश होगी तुम्हें जंग करने कहा जाएगा और फिर इस तरह तुम आजमाए जाओगे रुकू नंबर थ्री है आया नंबर 17 से लेके 24 ट्वेंटी फोर तक तो, जिसमें मुशरिकों को मसाजिद और हरम की तामीर का कोई हक नहीं है इसके बारे में बताया गया है फरमाया मुशरिकों को इस बात का हक नहीं पहुंचता कि अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें क्योंकि वो समझते थे कि हम जो हरम वग़ैरह में पैसे खर्च करते हैं हम जो बनाते यही सबसे बड़ी नेकी है बाकी हम जो करें आज के भी मुसलमान कुछ ऐसे हैं ना कि मस्जिदें सिर्फ़ तामीर करते हैं और उस मस्जिद में कभी एक टाइम के नमाज़ के लिए भी नहीं आते हैं। उस मस्जिद में तो छोड़ो दूसरी भी अपने क़रीब की भी मस्जिद में नहीं आते हैं। तो ये नई का काम नहीं कि सिर्फ़ तुम मस्जिदें तामीर करो और उसकी मरम्मत करो तो उनको वही कहा गया कि अल्लाह की मस्जिदें आबाद करें इसका तुम्हें कोई हक नहीं मस्जिदों की आबादी का हक सिर्फ़ ईमान लाने वालों को नमाज़ कायम करने वालों को और ज़क़़़़त अदा करने वालों को पहुँचता है जो अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं हैं लोगों हाजियों की खिदमत और मस्जिद हराम की तामीर ऐसे अमान नहीं हैं कि इनको अल्लाह और आख़िरत पर ईमान लाने और उसके राह में जिहाद करने के बराबर करार दिया जाए यह ऐसा नहीं है अमल कि सिर्फ हाजियों को पानी पिला के खाना खिला के तुम ये समझे कि यही बड़ा काम है देखो हम हाजियों को पानी और खाना वगैरह देते हैं मस्जिदों की तामीर करते यही बड़ा काम है देखें जो नमाज़ कुरान पढ़ते हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रहे और जो दूसरे काम कर रहे हैं दीन के काम कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं कर रहे तो ये बात नहीं है कि हाजियों की खिदमत और मस्जिद हराम की जो तामीर है यही नेकी के काम है और ये बराबर है उनके जो अल्लाह के रास्ते में जंग के लिए निकलें और अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाएं, ये उसके बराबर नहीं हो सकते ईमान वाले महाजरीन और मुजाहिदीन अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा दर्जा रखते हैं वही अल्लाह के रहमत के मुस्क हैं और हकी़ी जन्नती हैं। ईमान वालों ऐसे बाप और ऐसे भाइयों को अपना दोस्त न बनाओ जो ईमान के मुकाबले में कुफ्र को तरजीह दें उनके बात नहीं मानो कि अगर वो दीन से फिरने कह रहे हैं दीन के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हैं तो उनसे दोस्ती ना रखो आगे फरमाया पैगंबर आप मुसलमानों से कह दें अगर ऐसा है कि तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे तुम्हारे भाई तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे बिरादरी याद ख़ानदान तुम्हारी जायदाद तुम्हारी तिजारत तजारत बिजनेस और तुम्हारे घर तो मैं अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से ज़्यादा प्यारी है तो अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो अल्लाह ताला नाफरमानों को फासिकों को हिदायत नहीं देता ये नाफ़रमान लोग हैं फासिक लोग हैं जो अल्लाह के सिवा किसी और को तरजीह दिए रुको नंबर फोर है आय नंबर ट्वेंटी फाइव से ले ट्वेंटी नाइन तक जिसमें जिहाद व किताल की हद के बारे में बताया गया है उसके हदूद जो है उसके बारे में बताया गया है मुसलमानों अल्लाह ताला बहुत से मौके पर तुम्हारी मदद कर चुका है कई ऐसे मौके थे अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर का टाइम हो या वद का टाइम हो अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी और जंग हुनैन के मौके पर भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद की लेकिन तुम अपनी कसरत पर इतरा गए अब जागे उन्हें जब हुई थी उस वक्त बहुत सारे मुसलमान थे तो वो फिर क्या हो गया उनको अपनी कसरत पे नाज आ गया कि हम बहुत ज़्यादा हैं तो हम जीत जाएंगे तो वो थोड़ा इतरा गए इवन सहाबा रहे के वो अगर इतरा गए और उनको सज़ा दी गई उनको आजमाइश में डाला गया तो फिर हमारा क्या हाल हम छोटी छोटी बातों पर भी इतराते हैं तो ये सोचे कि उनकी भी पकड़ हो गई के तरहने की वजह से क्या हो गया वो हारने लग गए थे तुम्हारी कसरत तुम्हारे काम न आई जमीन तुम पर तंग हो गई क्या हुआ था जंग उन के मौके पर अब ये कॉन्फिडेंस के साथ निकले कि हम तो ज़्यादा है तादाद में तो जीत होगी तो अब यह हुआ था कि दुश्मन छुप के उनके ऊपर वार करने लगे तीर बरसाने लगे थे और इन्हें पता नहीं चला कि कहाँ से बरस रहे हैं फिर अल्लाह ने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी जानिब से दिल का सुकून उतारा और गायबी मदद से तुम्हें कामयाबी दी तो ये भी आजमाइश थी कि तुम अपने कसरत पे इतरा रहे हो तुम काम थे तब भी अल्लाह ने तुमको कामयाबी दी थी ना तो अपनी कसरत पे इतराना नहीं चाहिए बल्कि मदद अल्लाह की होती है कम भी हो तो भी अल्लाह उनकी मदद करके उनको जिता देता है आगे फरमाया मुसलमानों मशर नापाक हैं इस साल के बाद वो मस्जिद हराम के करीब फटके ना इन्हें अभी मस्जिद हराम में नहीं आएंगे ये मुशरिक क्योंकि हर जैसे कंट्री का कानून होता है उसी तरह हरम का कानून ये है कि वो मुसलमान होना चाहिए लेकिन कुछ लोगों को देखा गया है कि वो हरम में आके हालांकि वो मुसलमान नहीं थे सिर्फ उनको देखना था कि अंदर क्या है और कुछ चुराना था वहाँ से कुछ पत्थर वगैरह तो उन्होंने ढोंग करके मुसलमानों का वो अंदर भी दाखिल हो गए थे अल्लाह ही मदद करने वाला है वैसे भी उनकी पकड़ हो गई थी तुम उनकी वजह से फ़क्र व फाका का खौफ ना करो कि अब हम अगर उनको इस तरह से रोक दें तो हो सकता है हमारी दोस्तियाँ टूटें और फिर हम गरीब हो जाएं तो इसका खौफ नहीं करो तुम फकीर नहीं बनने वाले हो अल्लाह अपने फ़ज़ल से तुम्हें उनका मोहताज न रहने देगा तुम उनके मोहताज नहीं करोगे अल्लाह अपना फजल अदा करेगा तुम्हें ऐसे अह किताब के ख़िलाफ़ जो अल्लाह पर और योम आखिरत पर ईमान नहीं लाते अल्लाह और रसूल के हराम किए हुए को हराम नहीं समझते और दीन हक़ हाँ को कबूल नहीं करते उनसे जंग जारी रखो उनसे कंटिन्यू करेंगे जंग जो तुमसे लड़ने आए हैं और ये अल्लाह और रसूल पे यकीन नहीं रखते यहाँ तक कि उनकी सरकशी और जोर टूट जाए और वो जजिया देने पर तैयार हो जाए क्योंकि कायदा यह था कि उस कंट्री में अहले किताब रह सकते थे लेकिन जजिया देकर तो अगर ये जजिया दे रहे हैं तो रह सकते हैं अगर जजिया नहीं दे रहे हैं तो नहीं रह सकते क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना क़ायदा होता है इसी तरह फायदा है कि ऐसे लोग जजिया देने तैयार हैं तो फिर उन्हें रहने की इजाज़त है क्योंकि उन्होंने सरकशी की कि हम नहीं देंगे जजिया हम हाँ, ऐसे ही रहेंगे तो फिर इसलिए ये ऑर्डर दिया गया था कि फिर उनसे जंग जारी रखो अगर वो जजिया देने तैयार हैं तो फिर कोई बात नहीं अगर किसी और कंट्री में देखें जहाँ पर जिजिया वगैरह का कानून है वहाँ पर नहीं दिया जाए तो क्या करते हैं उसको कंट्री से ही निकाल देते हैं ना तो फिर क्यों कहा जाता है कि इस्लाम इतना सख्त कानून क्यों ये कर रहा है अप्लाई कर रहा है हालांकि हर कंट्री का अपना अपना कायदा होता है तो समझ में आना चाहिए कि ये भी कायदा है इसका कि ये जिजियादय के रहें वैसे भी जो अब्रॉड कंट्रीज़ होते हैं उसमें कितना दिया जाता है कितना ये लोग ले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और जगह हो कंटिन्यू लोग देना उनको देना ही पड़ता है ओके बहरहाल आगे चलते हैं रुको नंबर फाइव है आया नंबर थर्टी से लेके थर्टी सेवन तक जिसमें अल्लाह का दीन गालिब आकर रहेगा इसके बारे में है और माल जखीरा करने वालों का अंजाम क्या होगा वो बताया गया है यहूदी कहते हैं कि उजैर अल्लाह के बेटे हैं और नसारा कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं ये उनकी बहस बकवास है उन काफिरों ने तो अल्लाह को छोड़कर अपने उल्मा और अपने दरवेशों और अलैहिस्सलाम को भी रब बना लिया है हालांकि उन्हें तो अल्लाह की बंदगी हुक्म दिया गया था न कि बंदों की बंदगी करने आगे फरमाया ये लोग अल्लाह के नूर को अपने फूकों से बुझा देना चाहते हैं ये कभी कामयाब नहीं होंगे ये नूर हक हैं अपनी रोशनी फैला कर रहेगा अल्लाह ने अपने पैगंबर को इसीलिए तो भेजा था कि इस दीन को तमाम खुद साख्तियान जो दूसरे दीन हैं उस पर गालिब कर दें खामुशरक पसंद ना करें आगे फरमाया ईमान वालों यहूदियों और ईसाइयों के उल्मा व मशाइ ऐसे हैं जो लोगों का माल नाक खाते हैं और अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते हैं ये देखिए आज हमारे उम्मत में भी क्या हो रहा है मुसलमान भी क्या कर रहे हैं पहली बात अगर कुरान को ही पढ़ना समझना चाहता है तो कहते हैं कि नहीं पढ़ो क्योंकि ये समझने के लिए कईम की ज़रूरत होती है तो ये लोग रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से इस तरह से और दूसरी बात यह है कि माल भी ना हक खाना इसमें भी देखें आजकल क्या करते तावीज़ वग़ैरह बना के फिर उसके पैसे लेते हैं और गलत फतवे भी देते हैं तो ये चीज़ें हम लोगों में भी हो रही है बहरहाल आगे फरमाया चांदी सोना अपने ज़ख़ैरों में ढेर करने वाले अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकते जो भी चांदी और सोना जो भी दौलत है वो सिर्फ़ इकट्ठे करते रह रहा है और उसकी जकवात वगैरह अदा नहीं कर रहा है वो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकता यही सोना चांदी क़यामत के दिन तपाकर उनकी पेशानियों पे, यानी फोरहेड पे, पहलुओं पे, यानी जो साइड्स होते हैं उन पर और पीठों पर दागा जाएगा और कहा जाएगा ये वो माल है जो तुमने अपने लिए जमा कर रखा था यानी तुमने ज़कवा़त अदा नहीं की थी ये तुमने सिर्फ जमा जमा करके रखा था हालांकि उसके अंदर किसी और का भी हक़ था गरीबों का हक़ था दूसरों का भी हक़ था लेकिन तुमने जमा करके रखा तो अब लिहाजा इसका मज़ा चखो जो तुम जमा कर रहे थे तो ज़कवात वग़ैरह अदायगी वक्त पे करनी चाहिए एक साल होने से पहले पहले दे देना चाहिए एक साल पूरा होने के बाद देते हैं लेकिन बेटर है कि ऐसा करें कि याद रखने के लिए रमज़ान बेटर होता है तो ये जमा जमा करके नहीं रखे बल्कि इसकी ज़क़ात भी अदा करते रहें आगे फरमाया मुसलमानों चार हरमत वाले महीनों में जंग करके अपने ऊपर जुल्म न करो ये चार महीने जो हरमत के हालाँकि बारह महीने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जुल्म नहीं करना है लेकिन स्पेसिफिकली ये चार महीनों की ऐसी हरमत है कि पहले मश्रकिन भी इसकी हरमत को पामाल नहीं करते थे इन महीनों में चार महीनों में कभी जंग नहीं करते थे और वो चार महीने याद रखे मैंने पहले भी आपको बताई थी जुल्कदा, िजा महरम और रजब हैं तो ख़ास कर से इसमें एहतियात करनी चाहिए कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो अल्लाह की नाफ़रमानी वाला हो किसी पे जुल्म ना करो लेकिन इस मामले में काफ़िराना बिदात उससे दूर रहे हमेशा अब काफ़िराना बिदात क्या थी काफिर लोग क्या करते थे इन चार महीनों में तो वो लोग ये करते थे कि कभी कभी आगे पीछे महीनों को अपने आप से कर देते थे कि उनको अगर उस महीने में जंग करना है कि ताल करना है तो कहते थे इस साल ये महीना आगे कर देते या पीछे कर देते तो ये काफ़िराना बिदात है तो इससे दूर रहो फिर रुको नंबर सिक्स है आया नंबर थर्टी एट से लेके फोर्टी टू तक तो। जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की मदद है इस बारे में बताया गया है और साथ साथ मिसाल दी गई है गारे सौर की इसका पहले बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा इन आयात का जो आ अभी आयात आ रही है ताकि क्लियर हो जाए कि क्या बात है इसका बैकग्राउंड ये है कि जब गजब तबुक हुआ था ग़बे तबुक के मौके पर कुछ लोग जंग में शरीक नहीं हुए कुछ तो मुनाफिक थे और कुछ मुनाफिक नहीं थे बल्कि सुस्ती की वजह से वो शरीक नहीं हो सके तो याद रहे कि जंग तबूक जो हुई थी उस वक्त सख्त गर्मी का भी मौसम था और फल पकने का भी मौसम था तो फल भी पक चुके थे और सफ़र जो था वो बहुत दूर का सफ़र था करीब का नहीं था और तपती रेत थी बहुत शिद्दत की तकलीफ़ थी इस वक्त निकलना जंग तबुक के वक्त निकलना तो ये बैकग्राउंड आप याद रखें तो फिर ये आपको आयत समझ में आएगी आए मोमिनो तुम्हें क्या हो गया है जब तुम्हें कहा जाता है कि अल्लाह के राह में निकलो तो तुम्हारे पाव बोझल हो जाते हैं तो ये बोझल इसलिए कि वो जाना नहीं चाहते किसी तकलीफ़ की वजह से तुम्हारे पाव बोझल क्यों हो जाते हैं अगर तुम पैगंबर का साथ देने में सुस्ती करोगे तो तुम्हें अल्लाह दर्दनाक अजाब में गिरफ़्तार करेगा यानी जो फ़रज़ है उसमें सुस्ती भी अलाव नहीं है सुस्ती करना मुनाफत तो दूर की बात सुस्ती भी नहीं की जाए तो सुस्ती करोगे तो फिर क्या होगा दर्दनाक अजहाब होगा तुम्हें और तुम्हारी जगह कोई दूसरी कौम खड़ी कर देगा अल्लाह और तुम उसका कुछ न बिगाड़ सकोगे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह और अपने दीन की अल्लाह ताला खुद मदद करेगा तुम्हारे मदद की ज़रूरत नहीं लेकिन फायदा तुम्हारा है अगर तुम साथ दोगे तुम्हें अजर मिलेगा जैसे उसने हिजरत के मौके पर गार सौर में मदद फरमाई थी जबकि वो सिर्फ दो थे गार सौर में क्या हुआ था आप अलैहि वसल्लम और अबू बकर थे अबू बकर थे हुआ ये था कि जब हिजरत कर रहे थे आप तो उनके साथ अबू बकर भी हिजरत कर रहे थे मक्का से मदीना तो उस वक्त मुश्रकी ने मक्का ने ऐलान किया था कि इन दोनों को अगर कोई पकड़ के लाए या कत्ल कर दे तो फिर उनके ऊपर इनामत रखे गए थे तो लोग उनकी तलाश में निकल गए थे और करीब था कि वो लोग उनको देख लेते इतने क़रीब पहुंचे थे हालांकि आप और अबूबकर गार जिस गार में थे वो गार बिल्कुल उनके करीब थी जाते आते वो पैर भी उनको दिख सके ऐसे थे तो आबू बकर डर गए थे अगर ये ज़रा झुक जाए तो हमें देख लेंगे तो उनको डर लगने लगा अबू बकर तो ये सिचुएशन थी लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनकी मदद की तो यही कहा गया कि जबकि वो सिर्फ दो थे आप और अबू बकर इन दो में दूसरा अल्लाह का रसूल था है ना आप अल्लाह के रसूल है ना तो दूसरा तो अल्लाह का रसूल था दोनों गार में थे उस वक्त आप ने अपने साथी से कहा था ला तजन इन معنا गमगीन ना हो अल्लाह हमारे साथ है क्योंकि अबू बकर डर गए थे इसलिए उनको दिलासा दिया आप कि आप गम ना करें अल्लाह हमारे साथ अल्लाह साथ देगा ये लोग देख नहीं पाएंगे हालांकि इतने करीब पहुंच के भी वो देख नहीं पाए सिर्फ झुकने की दरी थी कि वो पकड़ लेते आपसे और अबू बकर लेकिन नहीं हुआ ये, ये अल्लाह का फजल था अल्लाह ने उनकी मदद की फिर देखो अल्लाह ने कैसे कामयाबी दी और दुश्मन कैसे जलील हुआ कुफ्र की बात मगलूब हुई और कली हक हाँ गालिब हो गया फिर आगे फरमाया मुसलमानों हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो जैसे भी कुछ तैयारी हो सके उसके साथ निकल खड़े हो जाओ तुम्हारी जो भी हैसियत है वो लेके निकलो यही तुम्हारे हक हाँ में बेहतर है ये बात अपने आप को हलाक करने वाली है कि जब माल गनीमत आसानी से मिलने वाला हो और सफ़र करीब का हो तो तुम साथ चलो और अगर सफ़र दूर का हो तो कमज़ोरी दिखाना शुरू कर दो कमज़ोरी दिखाने का उज़र पेश करो कि हम कमज़ोर थे और फिर आके कसमें भी खाना शुरू कर दो कि देखो हम आना चाहते थे लेकिन हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये कसमें खा के ये बातें करना शुरू ना करो आगे रुकू नंबर सेवन है आया नंबर फोर्टी थ्री से लेके फिफ्टी नाइन तक जिसमें मुनाफिकीन के बहाने साजिया और उनका अंजाम बताया गया है मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया आपने उनके हिला साज लोगों को जंग से पीछे रह जाने की इजाज़त क्यों दे दी उससे सच्चे झूठे की आजमाइश न हो सके क्योंकि आप सल्लम इतने नर्म मिज़ाज थे कि जो भी उज़र पेश कर रहे थे कि हम ये, ये रीज़न है इसलिए हम नहीं आ सकते वो कह रहे थे आप के, ओके ठीक है ठीक है और उनको पीछे रहने की उन्होंने इजाज़त दे दी थी क्योंकि बहुत नरम मिजाज थे तो आप से अल्लाह फरमा रहे हैं कि क्यों तुमने उनको इजाज़त दी आप देखिए जो डांट भी मिली वो भी कुरान में बता दिया गया आप को कहीं कहीं पर डांट आई हुई है तो वो भी जाहिर कर दिया गया अल्लाह ने खोल के बता दिया कुरान में इसका मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं ना कि कुरान आप ने घड़ाया अगर आप घड़ते तो फिर अपनी चीज़ें छुपा देते तो ये भी साफ साफ बता दिया गया ये अल्लाह का कलाम है कोई चीज़ छुपाई भी नहीं है तो ये भी उनके लिए दलील है जो अल्लाह का कलाम नहीं मानते क़ुरान को तो आप से, से कहा गया कि क्यों तुमने इजाज़त दी इजाज़त दे दी इसलिए सच्चे झूठे की आजमाईश अब नहीं हो सकती अल्लाह और आखरत पर ईमान रखने वाले कभी इजाज़त नहीं मांगेंगे यानी जो भी अल्लाह पे और आखरत पर ईमान रखते हैं वो कभी नहीं आएंगे इजाज़त लेने के लिए वो तो कैसे वैसे निकल पड़ेंगे तुम्हारे साथ इजाज़त दिल के रोगी मांगते हैं और जो शक में गिरफ्तार है वो मुनाफिक वो मांगते हैं अगर ये साथ चलते तो भी शरारतें करते फितना फसाद डलवाते नहीं तुम्हारे साथ भी अगर होते ना तो भी कुछ ना कुछ फितने फसाद कर ही लेते थे क्योंकि उनकी आदत थी कि इवन जंग के लिए भी इसलिए कि गनीमत का माल मिले इसलिए निकलते थे लेकिन रास्ते में ऐसी शरारतें करते ऐसी बातें करते फितने फसाद करते तो अगर वो आ भी जाते तो ये चीज़ें कर लेते और तुम्हारे ख़िलाफ़ जासूसी भी करते इससे पहले भी ये ऐसा ही करते रहे पहले भी हो चुका है इन्होंने ऐसे ही किया था आपको भलाई पहुंची है तो उन्हें बुरी लगती है इन्हें जब भी आप मुसलमानों को सभी को और रसूल अलैहि वसल्लम को भलाई पहुंचती हैं तो उन्हें बुरी लगती है। और कोई मुश्किल पेश आती है तो खुशियाँ मनाते खुश होते हैं आप ऐलान कर दें हम दो में से एक बात के मुंतज़र हैं हम इंतज़ार में हैं कि दो चीज़ तुम्हारे साथ हो जाए या तो अल्लाह तुम पर अजाब नाजिल करे या तो हमारे हाथों तुम अजाब में मुबला हो जाए तो ये दो का हम इंतज़ार कर रहे हैं और वैसे भी जो जंग के लिए मुसलमान जाते हैं मोमिन जाते हैं उनके लिए भी दो चीज़ें होती है या तो वो शहीद हो जाते हैं और दर्जा उनके बुलंद होते या तो उनका दूसरा फायदा यह होता है कि उन्हें अजर भी मिलता है और साथ साथ गनीमत का माल भी मिल जाता है और जो शहीद है उनको भी तो अजर भी मिलता है और शहीद भी हो रहे हैं उनके भी दर्जात बुलंद हो रहे हैं याद रखो तुम अगर खुशी या ना खुशी कुछ खर्च भी करोगे तो वो भी कबूल नहीं किया जाएगा क्योंकि दिखावे के लिए या ये बताने के लिए कि हम भी मुसलमान हैं इसलिए वो लोग खर्च करते थे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा कोई वो जो भी तुमने खर्च किया वो कबूल नहीं किया जाएगा इसलिए कि तुमने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया नमाज में शरीक होते हैं तो भी सुस्ती से और जो भी खर्च करते हैं, वो भी नाखुशी से करते हैं आगे फरमाया मुसलमानों तुम्हें उनके माल और औलाद पर ताज्जुब नहीं करना चाहिए अल्लाह ताला चाहता है कि उन चीज़ों से ही उन्हें दुनिया में मुसीबत पहुँचे यानी माल और औलाद से उनको मुसीबत पहुँच जाए उन्हें कहीं पना ना मिले जगह ना मिले ये लोग तो आप पर सदकात की तकसीम पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं क्या आपने हमें कम दिया या इस तरह के वो इल्ज़ाम भी लगाते थे क्या अच्छा होता कि रसूल अलैहि वसल्लम के दिए हुए पर ये राज़ी होते खुश होते हैं। फिर रुको नंबर एट है आया नंबर सिक्सटी से लेकर सिक्सटी सिक्स तक जिसमें ज़क़़त के हकदार कौन हैं उसके बारे में आता है और मुनाफिकों के बारे में ज़क़़त के हकदार कौन है आठ लोग हैं तो उनके आप लिस्ट चाहती हैं कि कौन कौन लोग हैं या आर्ट के अलावा किसी और को ज़क़़त नहीं दी जा सकती सदक़ात किसी को भी दे सकते हैं लेकिन ज़क़़त का जो माल है वो इनके अलावा किसी और को नहीं जाएगा वो कौन है पहली बात मुसलमान होना चाहिए सारे जो मैं बता रही हूँ सिवा एक मैं बताऊँगी फोर्थ नंबर वरना सभी मुसलमान में आते नंबर वन फ़कीरों के लिए हैं नंबर टू मिसकिनों के लिए है मिसकिन वैसा नहीं होता फ़क़ीर एकदम से एकदम से गरीब होता है जो नज़र भी आता है मांगते भी फिरता है और वो जो फटे पुराने जो कपड़े पहनते हैं और जिस तरह से पता चलता है कि ये फ़कीर है लेकिन मिसकिन वो होते हैं जो अपना चलाने के लिए चलाते हैं उनका कुछ बचता नहीं है जो भी कुछ होता है वो मंथली उनका फिनिश हो जाता है तो किसी न किसी तरह घर चलाने के लिए चल जाता है तो वो मस्किन होते वो मांगते फिरते नहीं हैं लेकिन लोग पहचान लेते हैं कि ये मस्किन है तो सेकंड नंबर मस्किन थर्ड नंबर वो लोग जो जकवा़त लोगों से वसूल करने या जमा करने का काम करते हैं कुछ लोग ये होते हैं ना कि घर घर जाके लोगों के पास से जकवात जमा करते हैं और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वहाँ से तो वो लोग जो ज़कवा़त जमा करने का काम करते हैं वो थर्ड नंबर फोर्थ नंबर जो है वो उल्फत दिलाए गए इस्लाम की तरफ के दिल यानी जिनके दिल इस्लाम की तरफ उल्फत दिलाए गए यानी ऐसे के जो काफिर हैं जिनका दिल नरम करना चाहते हैं वो उनके बारे में हमें यह है उम्मीद है कि वो शायद इस्लाम कबूल करेंगे और कबूल करने के करीब हैं ऐसे लोगों को जक़ुत दी जा सकती है बाकी के फिर सारे मुसलमानों में आएंगे फिफ्थ नंबर गुलामों को आज़ाद कराने में सिक्स नंबर कर्ज़दारों के कर्ज अदा करने में यानी कर्ज़दार जो है कर्ज लिया है किसी से उसके कर्ज को उतारने के लिए भी चक्त दी जा सकती हैं नंबर सेवन अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए जंगों में या कोई भी अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे फिर नंबर एट मुसाफिरों की मदद के लिए कोई ट्रैवलर है उसकी मदद के लिए वो भले ही घर में बहुत पैसे वाला होगा लेकिन यह है कि ट्रैवलिंग कर रहा था अब उसका पर्स ही किसी ने चोरी कर लिया अब उसकी मुश्किल आ रही है रास्ते में तो ऐसे लोगों को भी दिया जा सकता है वो गरीब हो या अमीर हो लेकिन मुसाफिर हैं और उसको सख्त ज़रूरत है पैसों की तो उसकी मदद की जा सकती है ज़कवात के पैसों के ज़रिए तो ये आठ लोग हकदार हैं आगे फरमाया मुनाफिक लोग रसूल सल पर इल्ज़ाम लगाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि रसूल सल अलैहि वसल्लम को सताने वाले अजाब में मुबतला होंगे और आगे फरमाया मोमिनों को खुश या राजी करने के लिए उनकी झूठी कसमें किसी काम ना आएगी ये लोग ये करते थे कि झूठी कसमें खाना शुरू करते थे मुनाफिक वगैरह जो थे कि हमारा ये उजर था इसके लिए हम नहीं आ सके जंग के वक्त और या कोई ऐसी चीज़ बोल देते ताकि मोमिनों को खुश किया जाए या राजी किया जाए तो उनकी झूठी कसमें किसी काम नहीं आएगी आगे फरमाया ये डरते हैं क्या आप पर कोई ऐसी सूरत ना नाजिल हो जाए जिससे उनके नाम और उनके पोल खुल जाए क्योंकि कुछ आयतें ऐसी नाजिल हो रही थी जिससे मुनाफिकों के बारे में पता चल रहा था तो ये इन बातों से भी डरते हैं कि कहीं ये चीज़ खुल ना जाए हमारे पोल जो है वो खुल ना जाए आप उनसे कह दें बेशक हंसी मजाक किए जाओ और बहाने तराशते रहो याद रखो तुम्हारी बदकिरदार जमात पर अजाब इलाही आकर ही रहेगा आगे रुको नंबर नाइन है आया नंबर सिक्सटी सेवन से, से लेकर सेवेंटी टू तक जिसमें मुनाफिकों के किरदार के बारे में और अहले ईमान के सिफ़ात के बारे में है मुनाफिक एक दूसरे के साथी हैं बुरे कामों का हुक्म देते हैं और नेकियों से रोकते हैं राह हक में खर्च नहीं करते अल्लाह उन पर नारे जहन्नम और अपनी लाननत की वीद भेजता है उनका अंजाम उनसे पहले जैसे बद किरदारों वाला होगा जैसे पहले लोगों के साथ हुआ इनका अंजाम भी हो वैसे ही होगा अफसोस उन्हें कौम नूह कौम आद कौम इब्राहिम अफहा मदन और उल्टी हुई बस्तियों वाले यानि कौम लूत उनके अंजाम याद नहीं रहे उनको याद नहीं रहा ये सब कुछ हो गया था इन कौमों के साथ तुम्हारे साथ भी हो सकता है आगे फरमाया मोमिन मर्द और औरत अभी देखिए पहले मुनाफिक के जो सिफात थे किरदार उनके बारे में था अब मोमिन कैसे होते हैं? मोमिन मर्द औरत और, और, एक दूसरे के साथी हैं ये अच्छे कामों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं बिल्कुल मुनाफिक के अपोज़िट होते हैं नमाज कायम करते हैं ज़क़ात अदा करते हैं अल्लाह और रसूल की इतात करते हैं उन्हें अल्लाह के रहमत जन्नत के बाग़ात और पाकिजत ठिकानों की बशारत है खुशखबरी है और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी बात है ये चीज़ें तो मिलनी ही मिलनी है लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इनको मिलने वाली है वो अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा खुश हो जाएगा यही बड़ी कामयाबी है रुकू नंबर टेन आता है आया नंबर सेवेंटी थ्री से, से लेकर एटी तक जिसमें मुनाफिकों के हक में कोई दुआ कबूल न होगी इसके बारे में है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कु्फ़ार और मुनाफिक के साथ जिहाद करें और पूरी सख्ती के साथ पेश आए इनके साथ अब देखिए मुनाफिकों के साथ जंग नहीं हुई थी इनके साथ जिहाद जबान से हुआ था ओके तो ये बात याद रखें कि मुनाफिक थे उनके साथ ज़बान से जिहाद किया गया बहरहाल वो अल्लाह के झूठी कसमें खाते हैं अगर अब भी बाज आ जाए तो बेहतर है वरना दर्दनाक अजाब से दो चार होंगे तो अभी भी उनके पास टाइम है अब भी वो बाज़ आ जाए वरना क्या होगा उनके ऊपर दर्दनाक अजाब आ जाएगा कुछ मुनाफिके ने अल्लाह से अहद किया था कि अगर अल्लाह ने अपने फ़जल से उन्हें कुछ माल अता किया, कुछ दौलत दे दी तो फिर हम ज़रूर सदका करेंगे और हम नयकोकार हो जाएंगे इस तरह से उन्होंने अहद लिया था वादा किया था ये लोग अल्लाह से पुख्ता करने के बाद वादे करने के बाद भी भुखल से बाज नहीं आए यानी जब अल्लाह ने उनको दे दिया अपने फ़जल से तो फिर कंजूसी करने लगे किसी को कुछ नहीं देते क्या उन्हें इल्म नहीं कि अल्लाह उनके तमाम राजों और मशवरों की पूरी तरह खबर है उससे खबर रखता है जो भी वो उनके राज हैं वो भी अल्लाह को पता है और जो वो मशवरे करते चुपके भी करते हैं वो भी अल्लाह जानता है आप उनके लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे बराबर है उनके लिए सत्तर बार भी बख्शिश मांगेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें नहीं बख्शेगा क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से कुफर किया अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबे जो था जब वो फौत हो गया तो उसके लिए बख्शिश मांगी थी तो यहाँ कहा गया कि सत्तर बार भी तुमने उसके लिए मगफिरत मांगी तो उस उसके लिए मगफिरत नहीं है फिर रुको नंबर एलेवन है आया नंबर एट्टी वन से लेके एट्टी नाइन तक जिसमें मुनाफिकीन की खुशहाली से धोखा न खाएं इसके बारे में बताया गया है कि वो खुशहाल नजर आते हैं लेकिन तुम उनके धोखे में ना पड़े कि ये इतने खुशहाल हैं जिहाद से जी चुराकर पीछे रह जाने वाले मुनाफिक खुश न हो ये लोग खुद तो जंग के लिए नहीं निकले और दूसरों को भी कहने लगे कि गर्मी में तुम भी मत निकलो उनसे कह दो जहन्नम की आग इससे कई ज़्यादा गर्म है मुनाफिकों को चाहिए कि वो थोड़ा हंसे और ज़्यादा रोए उन आमाल के बदले में जो वो कमाते रहे हैं तो मुनाफिक का ये हाल है कि खुद तो खुद नहीं करना चाहते दूसरे जो दीन का काम करते हैं उनको भी किसी न किसी तरह रोकने की कोशिश करते हैं अब अगर ये लोग साथ चलने की इजाज़त भी मांगे तो कबूल ना करें। अब ये देख रहे थे मुनाफिक के इनको मुसलमानों को तो बहुत ज़्यादा गनीमत वगैरह मिल रही है बड़े पैसे वाले होते जा रहे हैं तो अब आगे इजाज़त मांगने के हम भी आते हैं तुम्हारे साथ तो आप अगर इजाज़त मांगें तो उनकी इजाज़त को कबूल नहीं करो अगर इनमें कोई मर भी जाए तो हरगिज उसके जनाजे की नमाज न पढ़ो क्योंकि उन्होंने अल्लाह और रसूल का इनकार किया और नाफ़रमानी की हालत में मरे आगे फरमाया तुम उनके माल और औलाद की कसरत से ताजुब न करो तुम्हें ताजुब नहीं होना चाहिए उनके पास इतना माल है इतनी इतने सारे औलादे हैं अल्लाह ताला उन चीज़ों के ज़रिए उन्हें दुनिया में अजाब में मुबतला रखना चाहता है उन्हीं चीज़ों के ज़रिए उनको अजाब होता रहेगा जैसे औलाद नाफरमान होगी या माल व दौलत की वजह से ही वो किसी फितने में पड़े रहेंगे ये लोग जिहाद में पीछे रह जाने पर खुश हैं जबकि रसूल अलैहि वसल्लम और उन पर ईमान लाने वाले साथी माल व जान से जिहाद करते हैं तमाम भलाइया और कामयाबी उनके मुकद्दर होंगी जो अपने माल और जान से जिहाद करते हैं अपने माल और जान की परवाह नहीं करते तो कामयाबी ऐसे लोगों के ही तकदीर में होगी फिर रुकू नंबर टूल्व है ये टेंथ जूस का लास्ट रुक आएगा लेकिन इस रुकू का कंटिन्यूशन हम एलेवंथ जूस में देखेंगे रुकू नंबर ट्वेल्व है आया नंबर नाइन्टी से लेके 99 नाइन्टी नाइन तक जिसमें बताया गया है कि जिहाद से इस्तना या रुक्सत किसके लिए है उनकी शर्त क्या है कौन लोग जिहाद में नहीं जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फरमाया बाज बहाने करने वाले देहाती आपके ख़िदमत में हाजिर होते हैं कि उन्हें जिहाद से मुस्तना करार दे दें कि उनको इजाज़त न दें उनको कहे कि तुम घर में बैठे रहो जबकि रुख्सत सिर्फ़ ज़यीफ़ या कमज़ोर जो लोग होते हैं उनके लिए बीमारों के लिए हैं या वो जो जिहाद के लिए सफ़र का सामान और सवारी नहीं रखते उनके पास सफ़र का सामान भी नहीं है और साथ साथ उनके पास घोड़े ऊँट वग़ैरह भी नहीं है कि वो सफ़र के लिए जा सके और आप भी उन्हें कुछ मुहैया नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग आते थे कहते थे कि हमें इजाज़त दे और हमारे लिए कुछ हेल्प करें लेकिन इतना उनके पास आप सलम के पास नहीं था कि उनकी मदद कर सके तो उनको कहते थे यहाँ नहीं मैं मदद कर सकता आप जाए आपके लिए रुख्सत है तो जब ये कहा जाता था तो उनके आँखों से आंसू जारी हो जाते थे क्योंकि वो दिल से चाहते थे कि हम भी जंग के लिए निकलें जबकि खुशहाल आमिर लोग जिहाद के बजाय अपनी औरतों के पास रहना पसंद करते हैं घर में ही रहना पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा पारा नंबर दस कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन